प्रक्षोभादि चंद्रगजान्द्वार सदानामा में अपने भिंदर आदि विद्यारंभे विवाहे जो प्रवेशे दिन संग्रामे संग्रह जय विघ्न तस्य जायते गुलाम मरण और दिवस से वर्णन चित प्रसन्न मंत्र जायते सर्व विघ्न उपशांत संतोषित भक्त पूजित असुर असुर सर्व विघ्न हर तस्मै गणाधिपतये नमः सर्व मंगल मांगल्य श्री सर्व हर्षादि की हमारी मैं शायद दो साल पहले भी डीकेपी प्रोडक्शन के साथ ही एक शो कर रहा था और तब भी हमने इतने ही ज़ोर शोर से गणपति जी का स्वागत किया था और वो आज वो यादें हो गई, ताज़ा हो गई। बहुत ही अच्छा माहौल है, आई होप कि वो हमारे यहाँ पे भी और खुशियाँ लेके आएँ और हमारा शो और अच्छा करें। फेस्टिव माहौल है, सब लोग आए हैं, एवरीबॉडी इज़ लुकिंग सो प्रिटी एंड नाइस एंड ऑल्सो एक बहुत प्योरिटी और पॉजिटिविटी आ जाती है सेट पे विच वी ऑल कैन फील राइट नाउ and I'm really happy to be part of this. नहीं हमें मौका नहीं मिला क्योंकि वो अलग लोग पूरी टीम एक हैंडल करती है सब चीज़ें क्योंकि जैसे कि आपको पता कि डीकेपी के चार शो चल रहे हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग डेकोरेशन वो सब अरेंजमेंट उन्होंने नहीं की। यहाँ पे तो ऑफकोर्स हम यही चाहेंगे कि शो डज बेटर इन फ्यूचर, ऐसे ही चलता रहे और सबकी लाइफ में अच्छा हो, सब खुशी का माहौल रहे सेट पे। बहुत सारे गाने हैं एक्चुअली, लेकिन ये रिश्ते हैं प्यार के में हमने एक सॉन्ग परफॉर्म किया था जो बहुत ही अमेजिंग था, वन ऑफ माय फेवरेट परफॉर्मेंसेस जो गणपति जी के लिए किया था। आई डोंट रिमेंबर द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग्स राइट नाउ, व्हिच वन, व्हाट वाज इट, आरती थी या सॉन्ग था? सॉन्ग, प्रॉपर सॉन्ग, मतलब इट वाज अ मूवी सॉन्ग बट या सेलिब्रेशन के लिए वो गाना याद आता है। आई एम श्योर कि लोगों को पता मैं किस सॉन्ग के बारे में बात कर रहा हूँ। अगले बरस आना है। हाँ जी हाँ जी हाँ 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 अग्निपथ,
तुझको फिर जलवा दिखाना ही वो वाला। I don't remember exactly. हाँ okay. देवा श्री गणेश आचार्य। Yeah yes yes yes. I went to chocolate mother. बहुत यम्मी लगते हैं दोज अमेजिंग कप केक्स दे मेक, मतलब मैं डिफरेंट डिफरेंट कुछ नया नया लेके जाती हूँ अपने फ्रेंड्स के घर पे, सो या चॉकलेट मोदक इज माय फेवरेट। आई विल बी अ पार्ट ऑफ द प्रेयर्स एवरी डे और इट्स 5 डेज हमारे यहाँ पे पिछली बार की तरह इस बार भी शायद 5 दिन के लिए। मैं पुणे में था तो पुणे में तो बहुत अमेजिंग सेलिब्रेशन होता है, ऑफकोर्स यहाँ भी अच्छा होता है लेकिन वहाँ की सब सड़कें बंद हो जाती हैं और सब पैदल रस्तों पर निकल जाते हैं अलग अलग जगह दर्शन करने के लिए। कॉलेज में था मैं और मेरे काफ़ी सारे दोस्त लोकल लोग थे तो उनके साथ में हमेशा निकल, बहुत अमेजिंग माहौल होता है। मतलब आई डोंट नो आप पुणे गए हैं या नहीं बट वहाँ पे बहुत अलग ही माहौल होता है, सब लोग रस्तों पे होते हैं और कोई गाड़ियाँ नहीं होती। एक्चुअली मैं जब बॉम्बे तो पहली बार मैंने देखा वहाँ पे लाइक नॉर्थ में यूपी में बनाते हैं बट यहाँ पे बहुत ही नेक्स्ट लेवल होता है। सो ऑफ कोर्स आई सॉ इट लाइक जो लाल बागचा राजा होता है मैं उनको देखा, फिर मेरी फ्रेंड मैं हर साल उसके घर पे जाती हूँ तो इट्स मोर लाइक जैसे ईद पे वो मेरे घर पे बहुत ज़्यादा सज के आते हैं वैसे ही मैं बहुत सज के टुडे ओनली वी वर टॉकिंग अबाउट इट कि मुझे पूरे से दुल्हन बन के सज के जाना है दर्शन के लिए। सो आई थिंक यहीं पर देखा जो देखा, बरेली में तो इतना नहीं होता था कभी भी सेलिब्रेशन।